गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज शिवानी जनागल। टुडे विल टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 5। लास्ट के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन आपके वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैच अप द फॉलोइंग। इसमें आपको सेक्शन और सेक्शन बी दिया है, जैसे आपको ये फर्स्ट स्टेप कौन सी दी है राइट एंगल की, तो ये फर्स्ट स्टेप राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया, बी से मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट में बी। सेकंड मोर देन राइट एंगल, तो ये सेकंड सी से हो रहा है, तो सेकंड सी। फिर थर्ड कौन सा हो रहा है, ए से, लेस देन राइट एंगल। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो बाय ए प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर से यूज करना, उसको बताना कि कितने मेजरमेंट है उसका। राइट द मेजर इन द इस बॉक्स के अंदर लिखना आपको। जैसे आपको पता है प्रोटेक्टर क्या होता है, जैसे टैकेट प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से रखेंगे इसको, देखो ना आप ये, ठीक है। फिर देखो सेंटर पॉइंट में रखा, फिर इसकी जो रे जा रही है वो देखो यहाँ पे, इधर देखो ये 130 135। आप जब इसको सेंटर पॉइंट पे रखोगे तो ये कितना बनेगा, 135। ओके, ये एल शेप है तो ये 90 डिग्री, ठीक है। ये है 50 डिग्री, ये 45 डिग्री। स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री, और ये 75 डिग्री। जब आप प्रोटेक्टर से इसको उसके सेंटर पॉइंट से रखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको केयरफुली रीड करना है उस क्लॉक का, और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे आपकी ये क्लॉक है, इसमें टाइमिंग क्या शो कर रहा है, 9 o'clock, तो व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो। तो जो क्लॉक है वो टाइम कौन सा शो कर रही है, क्या बता रही है, 9 o'clock, ठीक है। विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ये जो क्लॉक के टू हैंड्स बने हैं वो कौन सा टाइप का एंगल शो कर रही है, राइट एंगल, एल शेप है तो ऑब्वियसली वो राइट एंगल ही शो कर रही है। इफ द क्लॉक शो 9:15, जब क्लॉक 9:15 होती है, 9:15, तो विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। 9:15 का मीन्स ये 9 और ये 15 हो जाएगा ना, ओके, तो 9:15 होगा, तो विच टाइप ऑफ द एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो क्या होगा, मोर देन से ज्यादा होगा, मोर देन से ज्यादा होगा ना, मतलब राइट एंगल से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, मोर देन राइट एंगल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इफ द क्लॉक शो 2 o'clock जब शो करता है, तो विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक। 2 o'clock शो करना है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 o'clock शो करेगा तो इसमें क्या बनेगा, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। एनी डाउट तो होगा, फिर भी देखना आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, ठीक है। कॉफी आपको टेस्ट योर सेल्फ आपका है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द, इस बॉक्स में आपको MCQs है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन एंगल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था, तो उसके अंदर एंगल को मेजर करने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया था, प्रोटेक्टर, कौन सा लिया था, प्रोटेक्टर। तो इसमें ऑप्शन में है हमारा प्रोटेक्टर, यस, तो क्या आएगा, ऑप्शन ए, ओके। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस जो आपको फिगर गिवन, इसमें एंगल्स कितने हैं, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, 5, तो ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल इन द फिगर इज मोर देन अ राइट एंगल। यानी कौन सा एंगल है इस फिगर के अंदर जो मोर देन राइट एंगल है, तो देखो कौन सा है, क्यू आपको क्या दिख रहा है, मोर देन राइट एंगल है ना, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये क्यू, तो ऑप्शन बी। विच एंगल इज द फिगर इज ए राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा शो कर रहा है, वाई, देखो ये राइट एंगल बन रहा है ना इस पे,
तो वाई पे टिक कर लेना। फिर फाइव के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेप्स इज क्लोज्ड, ऐसा कौन सा सेप है इसके फिगर के अंदर जो मतलब जो सेप है वो क्लोज्ड है, तो बी है, बाकी तो सब ओपन है। ठीक है, तो फाइव का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये लिखा है आई लव मैथ्स, उसके अंदर सबसे फर्स्ट पूछा है नंबर ऑफ राइट एंगल, तो नंबर ऑफ राइट एंगल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 19, तो कितना हो गए 19। ओके, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन है राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल बताना है तो इसमें मोर देन राइट एंगल 1, 2 और तो नहीं है ना इसमें, आपको और कहीं दिख रहे हैं तो 2 राइट मोर देन राइट एंगल है। फिर लेस देन राइट एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रो द एंगल्स मेड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन द डायल ऑफ द क्लॉक एज इंस्ट्रक्ट एंड राइट द टाइम। क्या करना है आपको, आवर हैंड एंड मिनट हैंड ड्रो करना है और क्लॉक में और इंस्ट्रक्ट करना है राइट द टाइम। आपके हिसाब से अगर राइट एंगल बताना है तो राइट एंगल आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वही आप करो। आप आपके हिसाब से राइट एंगल का कोई भी टू हैंड शो कर सकते हो, जैसे मैंने 9 o'clock, तो राइट एंगल का बन रहा है ये एल शेप, तो टाइम क्या हो गया 9 o'clock। अब मोर देन राइट एंगल बताना है तो आप मोर देन राइट एंगल बताओ कौन सा टाइम लिखेंगे इसमें आप, मोर देन का ठीक है 8:15 मोर देन राइट एंगल हो गया। फिर लेस देन राइट एंगल का 2 o'clock। फिर एंगल ऑफ 180 का 6 o'clock। ओके, क्वेश्चन 3, राइट विच टाइप ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल। ठीक है, आप बताओ फिर से यही क्वेश्चन है, तो लेस देन राइट एंगल है इसके अंदर, मोर देन है ना। ओके, ये भी मोर देन राइट एंगल है, ये मोर देन राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, कोई डाउट, क्या कुछ नहीं करना है आपको। अगर 90 डिग्री से कम होता है तो लेस देन 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होगा, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो मोर देन राइट एंगल होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स बाय अ प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट। आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, प्रोटेक्टर रखना है और मेजर करना है कि कितने का एंगल है। जैसे ये मैंने प्रोटेक्टर रखा है इससे सेंटर पॉइंट में, ठीक है, तो ये हो रहा है 30। देखो इसकी जो रे है ना इस प्रोटेक्टर की, वो देखो कहाँ जा रही है, 30, तो इधर मैं क्या लिख दूंगी 30। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एल शेप है, आपको ऐसे ही दिख रहा है 90 डिग्री है। फिर सेकेंड, सेकेंड बताओ क्या शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में जो मेजरमेंट किया तो कितना आया 50 डिग्री। फिर इसके अंदर भी जब मैंने मेजर किया प्रोटेक्टर से तो 130 डिग्री आया। ठीक है, आप भी मेजर करना प्रोटेक्टर से यूज करके, उसको यहाँ सेंटर पॉइंट में रखना, फिर जिस तरह से ये रे जा रही है तो वो आपका मेजरमेंट होगा। ओके, क्वेश्चन 5 के अंदर भी जब मैंने मेजर किया प्रोटेक्टर से तो 35 डिग्री आया। फिर भी मैंने इसको जो प्रोटेक्टर से मेजर किया क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 50 डिग्री आया।
अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 15, ड्रो द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग्स मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम क्या कर रहे थे कि आपको मेजरमेंट गिवन था, आपको सिर्फ आपको क्या करना था उसके अंदर डिग्री लिखनी थी कि कितनी फिगर आपको ड्रॉ करी हुई थी, पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेजरमेंट गिवन है और आपको प्रोटेक्टर का यूज लेके फिगर ड्रॉ करनी है। जैसे 35 है ये आपका, तो आप क्या करोगे 35 ड्रॉ करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब 35 ड्रॉ करना है, पहले तो आप इसके 2 पॉइंट्स नोट कर दो, ठीक है। इस पॉइंट पर रखा आपने, जब इस पॉइंट पर रखोगे तो इस सब से काउंट करोगे, और फिर अगर आप इस पॉइंट से रखना रखोगे तो इस तरफ से काउंट करोगे। अगर मैं इस तरफ पॉइंट से रख रही हूँ तो मैं इस तरफ से काउंट करूंगी, इस तरफ से काउंट करूंगी तो कितने का बनना, 35 डिग्री का, तो 0, 10, 20, 30 और ये 35, इधर मैं पॉइंट डिनोट कर दूंगी, ओके। और फिर ये आपका 35 हो जाएगा। ओके ठीक है, ऐसे कैसे मैंने 65 भी ड्रॉ कर दिया है और ये 155 115 वाला भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप आपके ये जो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किए कंप्लीट कराए हैं वो आप आपकी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, हाउ मेनी स्क्वायर्स, ठीक है। उसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे।